नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ हिमांशी। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का अत्यधिक महत्व है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। भारत में हर 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार हरिद्वार में 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित होगा। अगर आप भी कुंभ में स्नान के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको कोरोना प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना जरूरी है। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल ने इसके लिए बड़ी कार्य योजना तैयार की है, जिस पर अमल भी शुरू हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोरोना लक्षण दिखने पर एंट्री नहीं। जिन लोगों में कोविड महामारी से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें या तो लौटा दिया जाएगा या फिर महाकुंभ में आयोजित या बने हुए सेंटर में रेफर किया जाएगा। महाकुंभ में जा रहे हैं तो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट रखें पास। महाकुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु जो एक दिन के रात्रि प्रवास यानी नाइट हाल्ट के लिए आना चाहते हैं, उनको कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद ही आने की हिदायत है। मास्क नहीं पहना तो समन। मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कंपाउंडिंग या समन की कार्रवाई भी मेला पुलिस की ओर से अमल में लाई जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर करवाना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से यह पता चलेगा कि किस किस दिन अधिक भीड़ रहेगी। बच्चों बुजुर्गों से न आने की अपील। महाकुंभ स्नान में 10 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों में नहीं आने के लिए अपील की जा रही है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको कुंभ में जाने से पहले ध्यान में रखनी जरूरी है।